एपेक्स लेजेंड गेम बोले तो पबजी और फोर्टनाइट का बाप आ गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आर्ट EA स्पोर्ट गेम ने लॉन्च कर दिया है अपना खुद का एपेक्स लेजेंड गेम। बहुत ही कमाल का बैटल रॉयल गेम है। इसके यूजर्स आपको पता है 3 दिन में कितने बढ़ गए जैसे ही ये गेम लॉन्च हुआ है। इसके 10 मिलियन यूजर्स डाउनलोड कर चुके हैं और खेल रहे हैं इस गेम को, तो इतना वायरल है। उसके बाद ये 1 वीक यानी आज से पूरे 7 दिन पहले ये लॉन्च हुआ था गेम, और आज इसके यूजर्स बढ़ चुके हैं 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ यूजर्स इस गेम को खेल रहे हैं। और हालांकि अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ तीन प्लेटफॉर्म पर ही लॉन्च हुआ है, लेकिन फिर भी इसके यूजर्स इतने क्यों बढ़ चुके हैं? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही शानदार गेम है यार। ये पबजी और फोर्टनाइट को तो बिल्कुल ही खत्म करने वाला है और जड़ से उखाड़ने वाला है, इतना कमाल का गेम है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एपेक्स लेजेंड गेम क्या है, और आपको बताऊंगा कि क्यों इतना वायरल होता जा रहा है, और इसके सारे जानकारी और इसके लेजेंड के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, इस गेम की सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो यार शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ज्यादा जानकारी के लिए। फ्रेंड्स यार आपने पबजी और फोर्टनाइट के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो सिंपल सा आज के इस वीडियो में मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे होता क्या था बैटल रॉयल गेम के अंदर, यहाँ पबजी फोर्टनाइट और एपेक्स लेजेंड के अंदर होता ये है कि 100 जने को उतारते हैं, जो सभी को लास्ट में मार मार के एक जना जो जिंदा रहता है वो जीत जाता है, वो विनर होता है। पूरे ऊपर एक स्पेसशिप आती है, स्पेसशिप से उतारता है बंदों को, पूरे 100 बंदों को फेंक देता है नीचे, और जो भी एक जीतेगा वो बैटल रॉयल का विनर होता है। तो ये बैटल रॉयल गेम्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि स्क्वाड होंगे, 4 जनों के साथ खेलेंगे हम, 5 जनों के साथ खेलेंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे सिंगल सोलो प्लेयर भी नहीं खेल सकते हो आप, और ना ही 2 जनों के साथ खेल सकते हो, ना ही 3 जनों के साथ खेल सकते हो, ना ही बल्कि आप आपकी पूरी टीम बना के 10 लोगों की हुई है, 20 लोगों की हुई, पूरे 100 की टीम बना के खेल सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस गेम के अंदर। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप खेल सकते हो 3 जने, 3 जनों का आप स्क्वाड बनाओगे, स्क्वाड बनाओ और आपकी फ्रेंडों के साथ जाओ और खेलो, 3 जनों का स्क्वाड बनेगा, और वो भी आप खेल सकते हो पूरे वर्ल्ड के साथ, जैसे पबजी के अंदर होता, फोर्टनाइट के अंदर होता है। अगर मुझसे पूछे एपेक्स लेजेंड गेम क्या है, तो मैं यही कहूंगा पबजी और फोर्टनाइट इन दोनों गेमों का मिक्सअप है, यानी कि जो भी इनके अंदर कमियां थी पबजी के अंदर और फोर्टनाइट के अंदर, दोनों की कमियों को मिला के एपेक्स लेजेंड गेम को बना दिया गया है, और कंप्लीट गेम बना दिया गया है। इतना कमाल का गेम है, इसकी कोई हद नहीं है। अब मैं आपको बता दूं ये करता कैसे काम है। यहाँ पे आपको तीन स्क्वाड करके उतारता है, तो एक टीम के अंदर 3 जने होते हैं, उसके अलावा एक मैच के अंदर 20 टीमों को उतारते हैं, यानी कि पूरे 60 प्लेयर्स होते हैं जो इस गेम को खेलते हैं। और इसके अलावा आप सोच रहे हो कि यार आपका जो ड्रेसअप होता है, यानी कि पबजी और फोर्टनाइट के अंदर आपके खुद के कपड़े पहनते थे, कपड़े अलग अलग नए नए तरीके के चेंज करते थे, वो वाला कपड़े अलग पहनेगा, वो कपड़े अलग पहनेगा, तो इस गेम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, यानी बिल्कुल हटके है। इसके अंदर ऐसा कपड़े वपड़े का कोई रोल नहीं है, ऐसा कोई भी लोचा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही है कॉन्सेप्ट, लेजेंड। यहाँ पे आपको तरह तरह के लेजेंड दिखाए गए हैं और दिए गए हैं। अभी शुरुआत में आपको पूरे 8 लेजेंड इस गेम के अंदर मिलेंगे। 8 लेजेंड के अलग अलग कारनामे, अलग अलग पावर्स है, यानी कि इन लेजेंड के काम क्या होते हैं, डिफरेंट पावर्स, यानी कोई ताकतवर है, कोई फास्ट रनिंग वाला है, कोई शील्ड प्रोवाइड कराता है, कोई शूटिंग में एक्सपर्ट है, तो कोई अपने खुद के डुप्लीकेट कॉपी बना देता है, यानी कि इतने कमाल
कमाल की शक्तियों के साथ ये लेजेंड आने वाले हैं और आप भी खेल सकते हैं। अगर आपके पास आपका पीसी है तो आप अभी ही फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। ये हालांकि आपके पीसी पे अवेलेबल है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो आपको इसकी जानकारी आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अब आर्टो लेजेंड के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, आर्टो लेजेंड के क्या क्या काम है। सबसे पहले जिब्राल्ट जो है, इसका काम है आपको शील्ड देना, और शील्ड ये बहुत ही पावरफुल शील्ड देता है जिससे आप आपकी टीम को प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है ब्लड हाउंड जो एक है खोज, मतलब किसी भी एनिमी किसी भी दुश्मन की डिटेल पता कर लेता, दीवार के पास क्या है वो उसको पता चल जाती है, और उस एनिमी के पास उस दुश्मन के पास कौन कौन से हथियार मौजूद है और सारी डिटेल इस बंदे को पता चल जाती है अगर आपने इसको आपकी टीम में लिया तो। अब यहाँ पे आती है वेरिथ जो है एक लड़की होती है जो उसकी बहुत ही कमाल की शक्ति होती है, बहुत कमाल की पावर्स होती है। बोले तो एग्जांपल के तौर पे वो एक पैलेस पे यानी कि मिलिट्री बेस पे वो मौजूद है, उसने अपने हाथ में एक पावर होती है और एक हाथ को घुमाती है, एक राउंड बना देती है और उसको जाना है पॉचिंग की, तो उस राउंड के अंदर उस खड्डे के अंदर कूदेगी तो उसकी पूरी टीम उससे मिलिट्री बेस से पोचिंग की चली जाएगी। तो इस तरीके की शक्ति है यानी कि मैजिक, इस जगह से उस जगह बस एक राउंड खींचा उसने और ये जा सकती कहीं पर भी, इसके पास इस लेजेंड के पास ये शक्तियां है। अब आता है बैंगलोर कोई शहर नहीं बल्कि ये एक कमाल का लेजेंड है। इसके पास शक्ति होती है वेपन्स की, कोई भी वेपन्स इजीली धड़ाधड़ ये चला पाता है और इसके पास सभी वेपन्स अवेलेबल होते हैं। अगर आपके पास कोई वेपन मिल नहीं रहा था, घूम जाता, अगर आपने इसको टीम में लिया होता तो इससे आप वेपन अवेलेबल कर सकते हैं। इसके बाद आता है लाइफलाइन एक बहुत ही कमाल की लेजेंड है। इसके पास क्या है शक्ति वो आपको बता देता हूँ, अगर आपकी लाइफलाइन कम हो रही है तो आप इससे, अगर आप मर भी जाएंगे इस गेम के अंदर, सबसे बड़ी बात आपके पास कोई मेडिपैक नहीं है, आपको रिवाइव करने वाला नहीं और आप मर गए, और मरने के बाद आप आपके लाइफलाइन जो लेजेंड होगा उसको बुलाओगे तो वो आपको बचा लेगा और आप मरने के बाद भी बच जाएगी। तो इतनी कमाल का ये है सबसे बड़ा फीचर इस गेम का। अब आता है पाथ फाइंडर, इतना कमाल का लेजेंड है। इसके काम क्या है वो आपको बता देता हूँ, इसके पावर ये स्पाइडरमैन की तरह ही एक रॉक को फेंकता है और दूसरी बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक आपकी पूरी टीम को पहुंचा देता है। उसके अलावा इसके बहुत सारी शक्तियां हैं जो आपको गेम खेलने के बाद पता चलेगी। तो यार इतने अच्छे अच्छे लेजेंड्स के लिए एक लाइक तो बनता है आपका। और आपको बता देता हूँ जो सातवें नंबर पे लेजेंड है कॉस्टिक एक गैस वेपन फेंकता है तो वो अपने वेपन से अपने गैस से सभी को किल कर देता है, अपने दुश्मनों को। इसके अलावा जो आठवें नंबर पे है वो बहुत ही कमाल का मिल अपनी खुद की डुप्लीकेट कॉपी बना देता है, तरह तरह के डुप्लीकेट बना देता है, यानी कि आपका आप है ना आपके गन से उसको शूट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो उसका कॉपी है, यानी मैं अपनी छवि को तीन चार रूप में बना देता हूँ, एक यहाँ पे, ठीक है ना, तो बहुत सारे कॉपी कर लेता हूँ। तो अब कोई बंदा उसको मारने जाएगा तो वो ओरिजिनल वाले को नहीं मार पाएगा, तो इस तरीके से इसका पावर ये है। तो इतनी कमाल की इन लेजेंडों की पावर है। इसके अलावा आपको बता दूं इस गेम के अंदर आपको रिवाइव करने के लिए आपकी शक्ति नहीं होती। आपके पास पबजी और फोर्टनाइट में होता क्या था, आप आपके किसी भी फ्रेंड को है ना वो मर रहा होता है तो उसको आप है ना मेडिपैक होती है, मेडी जो लाइफ होती है, इंजेक्शन होता है, ये सब कुछ आपको देना पड़ता है उसके पास जाकर, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये होता है जो लाइफलाइन जो लेजेंड होता है वो आपको डायरेक्ट ही बचा लेता है, मरने के बाद भी जिंदा कर देता है। सबसे बड़ी बात ये है अगर आपकी टीम में लाइफलाइन को लिया है। अब दूसरी बात आती है वेपन की, वेपन तो इसमें बहुत ही कमाल के बहुत ही धासु वेपन होते हैं। इसमें करना क्या होता है, आपको नीचे उतारते हैं प्लेन के जरिए,
आपको नीचे उतारते हैं कि स्पेसशिप के जरिए आपकी पूरी टीम उतर जाती है। उसके बाद आपको फटाफट से ढूंढना होता है आपके वेपन्स, जो नए नए तरीके के वेपन्स होते हैं यार। वेपन्स का रोल वही है जो पबजी और फोर्टनाइट में होता है। इसके अलावा इसके ग्राफिक तो बहुत ही कमाल के। अब आपको बता देता हूँ ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। अगर आप एक पीसी यूजर है, अगर आपके पास एक कंप्यूटर है, तो आप अभी ही खेल सकते हैं इस गेम को। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो आप इसको PlayStation PS4 पे भी खेल सकते हैं और Xbox पे भी खेल सकते हैं और आपके PC में भी खेल सकते हो। और बहुत जल्द ये गेम आपको मिलने वाला है आपके फोन पर, यानी कि आपके मोबाइल के अंदर, आपके एंड्रॉयड फोन के अंदर, iOS के अंदर, सभी के अंदर ये अवेलेबल होने वाला है। और खुद सोचिए यार, अगर जब ये प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड फोन और मोबाइल के अंदर आ जाएगा तो इसके यूजर्स कितने और अधिक बढ़ जाएंगे। तो यार इतनी अच्छी वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये गेम कैसा लगा। अगर आप भी खेलना चाहते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपको ला के बताना चाहते हैं एपेक्स लेजेंड के बारे में, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड वीडियो देखने के लिए, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल बटन पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो पाने के लिए।